द्वादश भाव क्या है? महर्षियों के द्वारा जो प्रणीत ग्रंथ है उसकी चर्चा मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसका अध्याय है ग्रह भाव फलाध्याय। ग्रहों की जो भावावस्था होती है, भाव फल जिसे कहते हैं, लग्न का पहले लग्न का निर्माण करते हैं और लग्न से लेकर द्वादश पर्यंत जो घर होता है उसकी संज्ञा भाव होती है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वगैरह एक से लेकर 12 तक, तो प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव ये संज्ञा होती है। अब हम लोग द्वादश भाव से संबंधित विचारणीय बिंदुओं पर थोड़ी चर्चा कर लें। महर्षियों का कहना है कि जो भावः स्वामी सौम्याभ्याम युक्तो दृष्टो यमेधते पापैश्चेदन्यथा गेयो जन्मतः पृच्छतोऽपि च। माने जिस भाव पर अपने स्वामी या शुभग्रह का योग या दृष्टि हो उस भाव की वृद्धि तथा जिस पर पाप या स्वामी के शत्रु की दृष्टि हो तो उसकी हानि होती है। बात समझ में आई? क्या होती है? उसकी हानि होती है। यह जन्म काल और प्रश्न काल आदि में सर्वत्र विचारना चाहिए, हर जगह। यदि जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है, जन्म काल की जानकारी नहीं है, जन्म समय नहीं है, तो प्रश्न काल से ही, अर्थात जिस समय आप प्रश्न किए उसी समय का हम लग्न बना लेंगे और लग्न से ही, अर्थात प्रश्नकालिक जो व्यवस्था है, प्रश्नकालिक जो लग्न हुआ उसी से ही हम भाव फलादेश प्रारंभ करेंगे। दूसरा, रूपं तथा वर्ण विनिर्यश्च चिह्नानि जाति वर्यसः प्रमाणम् सुखानि दुःखान्यपि साहसं च लग्ने विलोक्यं खलु सर्वमेतत्। रूप, वर्ण, चिन्ह, जाति, आयु का प्रमाण, सुख, दुख, साहस, ये तनुभाव से विचारना चाहिए, देखना चाहिए। तनुभाव यानी शारीरिक व्यवस्था, तनु माने शरीर, और लग्न का जो स्थान है, अर्थात जो लग्न है उसकी पहली संज्ञा तनु होती है। शरीर भाव का विचार, अर्थात ये जितने भी हम कह चुके रूप, वर्ण, चिन्ह, जाति, आयु का प्रमाण, सुख, दुख, साहस, ये तनुभाव से विचारना चाहिए। तो बंधुओं, आप आ जाएं, सामने आ जाएं, आपकी सेवा के लिए मैं उपस्थित हूँ, है ना? और आप आ जाएं। स्वर्णादि धातु क्रय विक्रयश्च रत्नानि कोशोऽपि च संग्रहश्च एतत् समस्तं परिचिन्तनीयं धनाभिधाने भवने सुधिभिः। स्वर्णादि धातु क्रय विक्रयश्च, सोना चांदी आदि धातु क्रय विक्रय, रत्न, भंडार, द्रव्यादि संग्रह, इनका विचार धन भाव से करना चाहिए। धन भाव यानी द्वितीय भाव, लग्न से जो दूसरा घर है उसका नाम है धन। धन से संबंधित, स्वर्णादि से संबंधित, दौलत से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, इन सारी बिंदुओं की चर्चा यदि करनी है तो इसका विचार आप दूसरे घर से करें, यानी धन भाव से करें। अब ले सहज भाव। सहज भाव का यानी तीसरा घर, तीसरा घर जो होता है उसका नाम है सहज प्राकर्म, जिसका प्रमाण सहोदरानाथ सहोदरानाम अथ किंकरानाम पराक्रमानाम उपजीविनाम च विचारणा जातक शास्त्र वेद भे तृतीय भावे विनयेन कार्या। सज्जनों, सहोदर यानी सहोदर, जो एक गर्भ से जिसकी उत्पत्ति होती है, जो सहोदर कहा जाता है, तो सहोदर, नौकर, प्राकर्म एवं अनुजीवी आदि, इन सब का विचार तृतीय भाव से होता है, प्राकर्म भाव से होता है, सहज भाव से होता है, यानी तीसरे घर से हम इसका विचार करेंगे। अब तो बात समझ में आ चुकी। अब बात आती है चौथे घर की। बात
चौथा घर तौन धन सहज सुहृत यानी मित्र, मित्र का घर होता है चौथा। सुहृद गृह ग्राम चतुष्पदो वा क्षेत्राद्यमालोकन कं चतुर्थे दृष्टे शुभानाम शुभयोगतो वा भवेत् प्रवृद्धिर् नियमेन तेषां। मित्र मकान गांव पशुधन खेती और अमालोकनक अमालोकनक प्रभृति का विचार चतुर्थ भाव से करें यानी चौथा घर से करें। किस घर से करें? चौथा घर से करें। और शुभ ग्रहों के योग व दृष्टि इन सब की वृद्धि निश्चित होती है चतुर्थ भाव से संबंधित। तो चौथा घर सुहृद भाव होता है, मित्रादि वर्गों का ये, बंधु बांधवों का ये यदि विचार करना है तो इन भाव से अर्थात चौथे भाव से हम विचार करेंगे। अब बात रही पंचम की यानी विद्या बुद्धि संतान, इनका विचार पांचवा घर से करना है। बुद्धि प्रबंधात मज मंत्र विद्या विनय विनेय गर्भ स्थिति नीति संस्था सुताभिधाने भवने नरानाम होरागमज्ञ परिचिंतनीयम्। बुद्धि के प्रबंध संतान नीति मंत्राराधन न्याय गर्भस्थिति इन सब का विचार पंचम भाव से करें जिसकी संज्ञा होती है संतान भाव विद्या भाव बुद्धि भाव। इन सबों का विचार पंचम भाव से करें यानी पांचवें घर से करें। बैरिवातम क्रूर कर्मा मयानाम चिंता शंका मातुलानाम विचारः होरा पारा वार पारं प्रयाते रेतात सर्वं शत्रु भावे विचिंत्यम्। शत्रु समूह का विचार, शत्रु समूह का विचार, फोरा फुंसी कुकर्म रोग की स्थिति मामा की चिंता शंका इन सब का विचार षष्ठ भाव से होता है। इसका नाम ही है षष्ठ भाव, छठा घर यानी रोग शत्रु का है। तो रोग शत्रु से संबंधित यदि विचार करना है तो हम छठे घर से करेंगे। अब सातवां घर पति पत्नी का जाया यानी सप्तम घर, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए यदि कुछ विचार करना है तो सप्तम भाव से हम संबंधित विचार करेंगे और विचार होता है। रणांगनं चापि बने क्रिया च रणांगनं चापि बने क्रिया च जाया विचारो गमना प्रमाणम शास्त्र प्रवीणे न विचारणीयम कलात्र भावे किल सर्वमेतत्। अर्थात संग्राम वाणिज्य स्त्री विवाह यात्रा इन सब का विचार सप्तम घर से होता है जिसका नाम सप्तम भाव है। पति पत्नी का स्थान है, प्रेम का स्थान है, प्रेम का घर है, है ना। इन सब का यदि विचार करना है तो हम सप्तम भाव से विचार करते हैं। अब आठवां घर का नाम है मार्केश से संबंधित, आयु से संबंधित, जो कुछ भी विचार करना है हम आठवें घर से विचार करेंगे, आठवें घर से जवाब देंगे, उत्तर देंगे। नद्युत्तारात पंथ वैषम्य दुर्गम शास्त्रम चायुः संकटं चेति सर्वम् रंध्रस्थाने सर्वथा काल्पनीयम्
प्राचीनाना माज्ञया जातकज्ञैः। नदी से पार होना है, समुद्र मार्ग, मार्गों की विषमता, शस्त्राघात, आयुर्दाय, विशेष संकटादि रोग का विचार आठवें घर से होता है, जिसका नाम है अष्टम भाव। अष्टम भाव यानी आयु भाव, आयु का विचार। इन सारी बिंदुओं पर यदि विचार करनी है तो आठवें घर से संबंधित हम विचार करेंगे और ज्योतिषी लोग करते ही हैं। अब नवम स्थान, नवम घर, जिसका नाम है भाग्य स्थान। भाग्य स्थान से संबंधित अगर कुछ विचार करना है तो हम नवम घर से विचार करेंगे। धर्म क्रियायां हि मनः प्रवृत्तिर् भाग्योपपत्तिं विमलं च शीलं तीर्थ प्रयाणं प्रणयः पुराणैः पुण्यालये सार्वमिदं प्रदिष्टम्। सज्जनों, धर्म में प्रवृत्ति, भाग्योदय, सुशीलता, तीर्थ यात्रा, दान तप, विनय, इन सब का विचार नवम घर से होता है, भाग्य स्थान से होता है, जिसका भाग्य भाव फल हम कहते हैं। हमें जानकारी है, इन सारी बिंदुओं की यदि जानकारी लेनी है तो नवम घर से, भाग्य स्थान से हम विचार करेंगे और नवम घर भाग्य स्थान होता है। अब बात आती है दशम घर की। दशम घर यानी इनसे संबंधित किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, किन किन बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। व्यापार मुद्रा निरपमान राज्यम प्रयोजनम चापि पितोस्तथैव महत्फलाप्ते खलु सार्वमेतत् राज्याभिधाने भवने विचार्यम्। व्यापार मुद्रा, राजा से आदर, राज्य संबंधी प्रयोजन, पिता के सुख दुख का विचार, विशेष कर्मों की सफलता, उच्च पद प्राप्ति, इन सब का विचार दशम घर से होता है। हम दशम घर से यानी राज्य घर से विचार करते हैं। अब एकादश भाव की चर्चा सामने आने वाली है। एकादश भाव से संबंधित गजास्व हेमांबर छत्र जात मांदोलिका मंगल मंगलानी लाभ किलैसा मखिलं विचार्य मे तत्तु लाभस गिरहे गृहज्ञई। हाथी घोड़ा यानी वाहन से संबंधित, हाथी घोड़ा माने वाहन से संबंधित, सुवर्ण वस्त्र छत्र पालकी समस्त मांगलिक कार्य एवं सब प्रकार के लाभ का विचार हम एकादश भाव से करते हैं। यानी ग्यारहवां स्थान जो है वो आय का स्थान है। आय का विचार करना है, लाभ का विचार करना है तो हम ग्यारह घर से यानी एकादश भाव से, ग्यारहवां घर से हम विचार करेंगे। अब बात आती है व्यय। व्यय माने खर्चा। खर्चा से संबंधित अगर कुछ विचार करना है तो बारहवां घर जो है, द्वादश भाव जो है, बस इनसे संबंधित हम विचार करेंगे। हानिर्दानं व्यश्चापि हानिर्दानं व्यश्चापि दंडो निर्बंध एव च सर्वमेतद् व्यस्थाने चिंतनीयं प्रयत्नतः। हानि दान खर्च दंड बंधन इन सब का विचार बारहवां घर से होता है। बारहवां घर का नाम व्यय भाव है, व्यय स्थान है। व्यय से संबंधित अर्थात खर्च से संबंधित कुछ अगर विचार करना है तो हम बारहवें घर से विचार करेंगे। मृत्यादयः मूर्त्यादयः पदार्थो ज्ञायन्ते येन जन्तूनां तदीदमधुना प्रवक्ष्ये भावाध्यायं विशेषेन शरीर धान भाई आदि सब पदार्थों की हानि और लाभ जिससे समझा जाता है उन ग्रह भाव फलों को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया समझाए। अब ये भाव अध्याय जो है प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव पर्यंत संपूर्ण हुआ। सज्जनों, आप सामने आवे।